ਕਿਰਤੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਨੌਟੰਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਥੀਮ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਟੰਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨੌਟੰਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ 2 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। हमारी थीम थी आज की एक ट्रेन है जो निकलती है और बिजली कड़कती है और उसके साथ ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज की आत्मा सारे पैसेंजर्स में आ जाती है, तो वो सब उसी तरह से सेलिब्रिटीज की तरह अपनी अपनी नौटंकी करते हैं। तो मेरे अंदर राधे माँ की आत्मा आ गई थी। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इसमें पार्टिसिपेट करके। हम 15 दिनों से तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम रात दिन हमने एक कर दिया इस प्रोग्राम को एक नया रूप देने में। ये नौटंकी एक्सप्रेस है, इसमें हमने नौटंकी करी है और एक्सप्रेस इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि हमने स्टेशन का लुक दिया है। आपने हमारा इवेंट देखा हो तो ये स्टेशन से रिलेटेड है। अगर हम डांसेस भी कर रहे हैं तो हम ट्रेन के गानों से रिलेटेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को हंसा भी रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं कि नौटंकी एक्सप्रेस क्या है। हाँ जी, होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए ताकि हमारा टैलेंट सबको नज़र आए कि हाँ हम किस चीज़ में अच्छे हैं। ये चंदन वाला युक्ति मंडल का है, सम्यक ग्रुप की तरफ से है और बस नौटंकी कर रहे हैं, हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। एनुअल मीट है ये। लुधियाना तो योगेश कपूर के नाल दीपक पांडे की रिपोर्ट, चैनल 2।